हेलो फ्रेंड्स, जैसा आपने देखा कि रिसेंटली भारत का नया बजट पेश किया गया है, आज हम बजट की उन खास बातों को जानेंगे जो बीमा क्षेत्र को अफेक्ट करती हैं। जैसा आप जानते हैं, 23 जुलाई 2024 को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने संसद में नया बजट पेश किया है। इस बार के बजट में सेक्शन 194D में बदलाव किया गया है। इस बदलाव के अनुसार अभी तक बीमा एजेंट को कमीशन पर इनकम टैक्स 5% का देना पड़ता था, पर अब वह रिड्यूस करके 2% कर दिया गया है। मतलब अभी तक बीमा अभिकर्ता को 15,000 से ज्यादा की कमीशन पर 5% का इनकम टैक्स देना पड़ता था, पर अब वो कम करके सिर्फ 2% कर दिया गया है। पर ध्यान रहे, ये रिड्यूस किया हुआ 2% 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। दूसरा सबसे बड़ा चेंज है सेक्शन 194DA में। इस सेक्शन के अनुसार अगर किसी कस्टमर को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से पैसे मिलते हैं तो अब उस पर भी इनकम टैक्स रिड्यूस कर 5% से 2% कर दिया गया है। यानी पहले जहां 5% का इनकम टैक्स पड़ता था, अब वह घटाकर 2% कर दिया गया है और यह चेंज 1 अक्टूबर 2024 से ही लागू हो जाएगा। यहाँ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि LIC की ज़्यादातर पॉलिसीज सेक्शन 10D के अनुसार टैक्स फ्री मेच्योरिटी देती है, पर कुछ पॉलिसियाँ हैं जिन पर इनकम टैक्स लगता है। यहाँ जो 5% से घटकर 2% इनकम टैक्स की बात की गई है, यह उन खास पॉलिसीज की मेच्योरिटी के लिए की गई है जिन पर सेक्शन 10D के अप्लाई नहीं होता है। तीसरा सबसे बड़ा अपडेट आया है कि अब स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़कर 70,000 कर दिया गया है। अभी वर्तमान में दो तरीके की टैक्स स्लैब चल रही है। एक पुरानी टैक्स है जिसमें लोगों को सेक्शन 80C के अनुसार 1,50,000 तक की बचत पर इनकम टैक्स में छूट मिलती है। दूसरी न्यू टैक्स स्लैब है जिसमें इस तरीके की बचत पर कोई छूट नहीं मिलती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से 75,000 हो जाने के कारण अब न्यू टैक्स स्लैब ज़्यादा चूज करेंगे, जिससे इंश्योरेंस एजेंट को टैक्स सेविंग का फैक्टर दिखाकर इंश्योरेंस बेचने में कठिनाई होगी। यह चेंज भी बीमा व्यवसाय को अफेक्ट करेगा। इसी तरीके के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।